बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान क्रूज पर ड्रग्स और रेप पार्टी मामले में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। वह इस वक्त एनसीबी की कस्टडी में है। आर्यन खान की उम्र 24 साल की है। आपको बता दें कि 13 नवंबर 1997 को गौरी और शाहरुख ने आर्यन को जन्म दिया था। जी हां, आपको बता दें कि अपने विभिन्न इंटरव्यू में शाहरुख खान इस बात को कह चुके हैं कि आर्यन खान को एक्टर बनने की कोई इच्छा नहीं है। 1997 में अपने एक इंटरव्यू में शाहरुख खान ने कहा था कि वो चाहते हैं जब आर्यन 3-4 साल की उम्र का हो वो लड़कियों के पीछे भागे, जितना मर्जी स्मोकिंग करे, ड्रग्स ले सकता है, कुछ भी कर सकता है। उन्होंने ये जवाब सिमी ग्रेवाल के उस सवाल पर दिया था जिसमें उन्होंने शाहरुख से पूछा था कि क्या वो अपने बेटे को बिगाड़ने जा रहे हैं। इसके अलावा शाहरुख ने कॉफ़ी विद करण में एक बार बताया था कि कैसे आर्यन खान ने 9 साल की उम्र में एक लड़की की पिटाई कर दी थी। आपको बता दें कि शाहरुख खान ने करण जौहर को बताया था कि जब आर्यन खान 9 साल का था तो उसने एक लड़की की पिटाई कर दी थी। दरअसल उस लड़की से आर्यन खान की इस बात पर लड़ाई हो गई थी कि उसने आर्यन खान को मोटा कहा था। शाहरुख खान का कहना था कि मेरे बेटे को लगता है कि मैं मोटा हूँ। जब लड़की ने उससे मेरे मोटे होने की बात कही तो वो गुस्सा हो गया और उसने उसकी पिटाई कर दी। शाहरुख ने बताया कि उस लड़की ने पहले तो मेरे बारे में भला बुरा कहा, जिसे सुनकर आर्यन चुप रहा। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बाद उस लड़की ने कहा, कौन बनेगा करोड़पति में, तुम्हारे पिता बदसूरत लग रहे थे। आर्यन ने लड़की की इस बात पर भी कुछ नहीं कहा, पर जब लड़की ने आर्यन से कहा कि तुम्हारे पापा मोटे हैं तो उससे गुस्सा आ गया और उसने लड़की को लात मार दी। शाहरुख खान ने बताया था कि आर्यन की इस हरकत पर वो काफ़ी गुस्सा हो गए थे, लेकिन आर्यन ने उनसे कहा कि पापा उसकी गलती नहीं है बल्कि आपकी है, आप मोटे क्यों हो, आप बदसूरत नहीं हो, आप केबीसी पर काफ़ी हैंडसम लगते हो पर बहुत ही कूल इंसान हो, लेकिन आप मोटे हो। ड्रग केस में आर्यन खान का नाम सामने तब आया, 2 अक्टूबर को गोवा के लिए जाने वाले क्रूज जहाज पर छापेमारी के दौरान आर्यन समेत 8 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान सभी को 3 अक्टूबर को 22 घंटे से ज़्यादा समय तक हिरासत में रखा गया और पूछताछ की गई। इसके एक दिन बाद ही आर्यन और 2 अन्य को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 लाइव से। सुरभि की रिपोर्ट।